आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की बैठक में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। मसौदे में कहा गया था कि अंग्रेजों ने मांगों को स्वीकार नहीं किया तो बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए। आठ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भाषण के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का आह्वान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी के शब्दों में भारत से क्रमबद्ध ढंग से ब्रिटिश निकासी की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गांधी जी के भाषण के कुछ घंटों के भीतर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। शीर्ष राष्ट्रवादी नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन हुए। कर्मचारी अनुपस्थित रहे और हड़ताल का आह्वान किया गया। मिदनापुर के तामलुक और कोटाई उपखंडों में लोग समानांतर सरकारें स्थापित करने में सफल रहे, जो तब तक चलती रही जब तक गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से 1944 में नेताओं से उन्हें भंग करने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोगों ने जिला प्रशासन को उखाड़ फेंका। गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा किया गया और अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। ग्रामीण बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन नए करों और जबरन चावल निर्यात के खिलाफ किसानों की नाराजगी से प्रेरित था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के अनुरूप 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को ये एहसास दिलाने में सफल रहा कि अब लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी टाइटस तेवरतुंडियल को स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 8 अगस्त 1980 को हुई थी। वे गांधी जी के विश्वसनीय मित्र थे। वे 1930 के दांडी मार्च में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चुने गए 78 लोगों में से एक थे। टाइटस का जन्म 18 फरवरी 1905 को केरल के मैरामॉन में हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के पास गांधी जी की साबरमती आश्रम दुग्ध परियोजना के संचालन सचिव के रूप में कार्य किया। गांधी जी ने उन्हें टाइटस जी का सम्मान दिया। 15 मार्च 1925 को महात्मा गांधी टाइटस जी के घर गए। इसे सेंट्रल त्रावणकोर की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। मैरामॉन और उसके आसपास के लोग उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। स्वतंत्रता के पश्चात टाइटस भोपाल में बस गए। 1970 में उन्होंने द भारत ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक प्रकाशित की। 500 रुपए के नोट के शुरुआती डिजाइन में भी उनका चित्रण था। टाइटस तेवरतुंडियल का 8 अगस्त 1980 को भोपाल के कस्तूरबा अस्पताल में निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी टाइटस तेवरतुंडियल को सादर नमन। हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के निवासी शहीद कृष्ण कुमार को भी याद कर रहे हैं। 14 वर्षीय कृष्ण कुमार ने स्कूली छात्र के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे 8 अगस्त 1942 को बेवर में शामिल विरोध रैली में पुलिस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गए।
कृष्ण कुमार की दो अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मौके पर ही मौत हो गई। उनकी शहादत की याद में मैनपुरी में अमर शहीद स्कूल स्थापित किया गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के वीर सपूत शहीद कृष्ण कुमार को नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर, कल फिर मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ।